मोदी राज में मंत्रियों के भी काम नहीं, इस्तीफे की तैयारी। मंत्री के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार में बगावत के संकेत। बिहार से आने वाले कद्दावर मंत्री इस्तीफा देने का कर रहे हैं दावा। मोदी सरकार में मंत्री के रोक दिए गए हैं काम। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। यहाँ बोलने से पहले सोचना पड़ता है और सोच समझ कर ही बोलना पड़ता है। ज्यादा बोलना कई बार भारी पड़ जाता है। बीजेपी नेताओं ने ये बात गार्ड बांध कर रख ली है, क्योंकि इससे पहले जो भी ज्यादा बोला वो किनारे कर दिया गया। लेकिन कुछ नेता दूसरी तरह के होते हैं, पहले तो बोल जाते हैं और फिर जब फंसते दिखते हैं तो अपनी ही बात से मुकर भी जाते हैं, बातों के संदर्भ तलाशने लगते हैं। दरअसल मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्री का एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। ऊर्जा मंत्री बिहार से आते हैं, आरा से सांसद हैं, नाम राजकुमार सिंह है, लेकिन लोग आरके नाम से ही जानते हैं। आरके सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। 30 अक्टूबर 1990 समस्तीपुर में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने गिरफ्तार किया था। आडवाणी उस समय राम रथ यात्रा निकाल रहे थे, अयोध्या जाना था, लेकिन लालू प्रसाद यादव के आदेश पर आरके सिंह ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उस समय बिहार में लालू यादव सीएम थे और आरके सिंह ब्यूरोक्रेट्स थे, लेकिन अब आरके सिंह नेता बन चुके हैं। बिहार की आरा सीट से सांसद हैं और मोदी सरकार के मंत्री भी हैं। कभी तेज तरार अधिकारी रहे आरके सिंह मोदी सरकार में खुद को परेशान महसूस कर रहे हैं और अपनी ये परेशानी वो एक वीडियो में कहते हुए सुने जा रहे हैं। दरअसल आरके सिंह अपने संसदीय क्षेत्र में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन यहां उनका विरोध एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने ही कर दिया। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कोई दूसरा छात्र संगठन होता तो शायद बल प्रयोग भी होता, लेकिन एबीवीपी आरएसएस छात्र की इकाई है और संघ से टकराने की हिम्मत तो बीजेपी के किसी भी नेता में नहीं आ पाई है। इसलिए आरके सिंह भी अपना गुस्सा पी गए। विरोध कर रहे छात्रों को केंद्रीय मंत्री ने समझाने की कोशिश बहुत की, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो आरके सिंह ने कहा कि हमें मामूली नेता ना समझा जाए। हम नॉर्मल इंसान नहीं है, हम मामूली नेता भी नहीं है जो कुर्सी के लिए लालायित रहते हैं। हम जाकर प्रधानमंत्री को इस्तीफा पेशकश करने वाले हैं, क्योंकि हमारा कुछ प्रपोजल रोक दिया गया था, इसलिए हमको कोई राजनीति समझाता है तो ये ठीक नहीं है। ये वीडियो आरा का ही बताया जा रहा है। आरके सिंह कुछ लोगों के बीच बैठे हुए, उनके चेहरे पर बेचैनी झलक रही है और इसी दौरान वो अपने इस्तीफे की बातें कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि उनके काम को रोक दिया गया है। हालांकि आरके सिंह से जब इस वीडियो को लेकर सवाल हुए तो उन्होंने कहा, हमने इस्तीफे वाली बात किसी दूसरे संदर्भ में कही थी। कुछ लोग सवाल कर रहे थे, उन्हें समझाने के लिए इस तरह की बातें कहनी पड़ रही थी। जहां तक बात मंत्रिमंडल से इस्तीफे की है तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिलहाल मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। आरके सिंह ने यह तो कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, साथ ही ये भी बता दिया कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो फेक नहीं है, बस उसमें संदर्भ जोड़ा जाना है। आरके सिंह दावा कर रहे हैं कि ग्रामीणों को समझाने के लिए वो कह रहे थे, लेकिन ग्रामीणों को समझाने के लिए पीएम मोदी को इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? और ना ही आरके सिंह ये बता पा रहे हैं कि उनका ऐसा कौन सा प्रपोजल है जो रोक दिया गया है। दरअसल आरके सिंह की परेशानी का सबसे बड़ा कारण क्षेत्र में घटती उनकी लोकप्रियता को माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में अब 1 साल का ही समय बचा हुआ है, इसलिए आरके सिंह को चिंता हो रही है कि कहीं उनका टिकट ही ना कट जाए, और टिकट मिल भी जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव ही ना जीत पाए।